हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब ठीक ही होंगे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 8 और रात हो चुकी है। तो आज हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं तो देखिएगा। हमने मूंगफली को पहले ही इसको छील लिया है, तो अब इसको हम ऑयल में फ्राई करने वाले। तो ऑयल हमने पहले ही रख दिया है 1 चम्मच। तो आज हम रेसिपी में बना रहे हैं फ्राई वाले चावल, मूंगफली डालकर, मूंगफली और आलू डालकर फ्राई वाले चावल बना रहे। तो चलो देखते हैं हमारा ऑयल अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ गर्म। तो एक ही डालते हैं हम, पहले एक डालकर दिखाते हैं आप लोगों को। एक हमने डाल दिया है, तो हाँ ये होने लगे अच्छे से। तो अब हम सारे डाल देते हैं। तो पहले हम मूँगफली को फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी मूँगफली फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम प्याज मिर्ची करेंगे। तो इसको हमें तेज पर नहीं, स्लो गैस पर ही फ्राई करना है, वरना हमारी मूँगफली जल जाएगी। तो हमें इसको जलाना नहीं, हल्की ही फ्राई करना है, 2 मिनट के लिए मात्र, वरना हमारी ये जल जाएगी मूँगफली। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना काली हो जाएगी मूँगफली हमारी। तो चलिए अच्छे से बन चुकी है हमारी मूँगफली। तो इसको हम निकाल देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे 2 सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि 2 सेकंड के लिए हमें फ्राई करना था। तो देखिएगा ये फाइनली पक कर रेडी हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं, इसमें जरा भी ऑयल नहीं जाए, इसलिए हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो गाइस, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट कीजिएगा गाइस, आप लोगों की मेहरबानी है। तो गाइस हमारी सारी निकल चुकी है मूँगफली। तो अब हम चलते हैं जीरा लेने के लिए। जीरा ले लेते हैं और देखते हैं एक तेज पत्ता। देखो गाइस ये छुकली देखो कहाँ पर चढ़ी हुई है, देखिएगा आप लोगों को दिख ही रही होगी, इतनी सारी छुकली है यहाँ पर, इतनी सारी बिल्कुल अनगिनती की, इतनी सारी है छुकली क्या आप लोग गिनती गिनती थक जाएंगे, पर छुकलियाँ कम नहीं होती। तो चलो हम